आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कुणाल हाल ही में कक्षा 9 की परीक्षा में बैठा है और उसके सभी पेपर हो चुके हैं, लेकिन कुणाल के छोटे भाई राकेश जो कि कक्षा 7 का छात्र है, वह अभी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कल दोपहर एक आदमी उसकी कॉलोनी में आया और वह जिप यानी कि चेन ठीक करने वाला था। वह एक बैटरी रहित त्रिशंकु ध्वनि विस्तारक उपकरण से आवाज लगा रहा था और लोगों को चेन ठीक करवाने के लिए पुकार रहा था। उसके हाथ का उपकरण उसकी आवाज को कई गुना तेज कर रहा था। राकेश अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वह तेज आवाज से परेशान हो रहा था। तो राकेश ने यह समस्या अपने बड़े भाई कुणाल को बताई। कुणाल ने न कि केवल कॉलोनी में और भी बच्चे हैं, कई सारे बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे भी इससे परेशान हो रहे होंगे, उसने ये सोचा। ठीक है, तो राकेश ने कुणाल के उस उपकरण के बारे में पूछा जो चेन ठीक करने वाला आदमी अपने हाथ में लिए हुए था। कुणाल इसके बाद बाहर आया और उस आदमी से बात की और उस आदमी ने उपकरण का इस्तेमाल बंद कर दिया। कुणाल ने कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी से भी शिकायत दर्ज कर दी कि ऐसे व्यक्तियों को परीक्षा के समय ना आने दिया जाए। ठीक है, तो इस घटनाक्रम में इस्तेमाल उपकरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले एक अन्य उपयोगी उपकरण का नाम बताएं, वह क्यों इस्तेमाल होता है ये भी बताएं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसका उत्तर। सबसे पहले तो वो जो त्रिशंकु आकार का जो आकृति का एक ऐसा उपकरण जो कि ध्वनि को कई ज्यादा गुना मतलब उसका आयाम बढ़ा देता था, उसका नाम है बेटा हमारा क्या है, वो है मेगाफोन, है ना। अब मेगाफोन कैसा होता है वो भी बता दें। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मेगाफोन ऐसा होता है, राइट। ये क्या करता है बेटा, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ध्वनि वो यहाँ से बोलता है उसको ऐसे 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 बहुत सारी बार टकरा करके और ऐसे करके उसके आयामों को बढ़ा देता है। आयाम को बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, उसकी लाउडनेस यानी कि वो और भी ज्यादा अति मतलब इस तरीके से वो बाहर की तरफ में आवाज निकलती है, बहुत तेज गति से आवाज निकलती है, बार 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 यानी कि बहुतायत, है ना, बहुतायत परावर्तनों के द्वारा, है ना, परावर्तन इसके अंदर होते हैं। और हमसे पूछा गया है कि इसी पर आधारित, है ना, इसी पर आधारित एक और यंत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेथोस्कोप। ये भी बात पता है, ये कौन काम में लेते हैं बच्चा, डॉक्टर के द्वारा काम लिया जाने वाला उपकरण। ठीक है, और वो होता है ये, इसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये वाला जो होता है ना, जैसे कि इसके अंदर मल्टीपल, तो वो क्या करता है, इनको तो लगाता है कानों में, इसको लगाता है अपने दिल पर और वहां पर, वहां से उसकी धड़कनों को सुनता है, तो जो आवाज होती है वो भी इसमें बार बार ऐसे ऐसे करके टकराते यहाँ पहुंचती है और फिर वो उन धड़कनों को इसमें से सुनता है। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं बेटा, बहुतायत क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये रहा बेटा, ये खास करके हृदय और फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए काम में लेते हैं जो कि मानव शरीर के अंदर होते हैं। तो ये है बेटा वो दूसरा स्टेथोस्कोप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा येलो कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।